हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं बेस्ट बासमती राइस। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इजीली मिलने वाले सभी बासमती राइस को मैंने यहां पर इकट्ठा कर लिया है और आज हम चेक करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा बासमती राइस रहता है प्राइस वाइज, और बनने के बाद जो है वो इसके दाने कितने खिले खिले रहते हैं, और खाने में जो है वो कौन सा बासमती राइस जो है वो अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से जो है वो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से बासमती राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं, सबके प्राइस जान लेते हैं और ग्रेन्स को चेक कर लेते हैं कि कौन से बासमती राइस का ग्रेन जो है वो लंबा है। क्योंकि अगर बासमती राइस के ग्रेन्स लंबे रहेंगे तो ऑब्वियसली बनने के बाद जो है वो और भी अच्छे दिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये दावत का बासमती राइस। तो आपको जो है वो ऑनलाइन भी ये सब मिल जाएंगे, बट ऑनलाइन सभी नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने सब ऑफलाइन ढूंढ ढूंढ के लेकर आया है, क्योंकि ऑनलाइन सब नहीं मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि आधे यहाँ आधे वहाँ से मंगाने से अच्छा है कि एक ही बार जो है ना ऑफलाइन सब ले आऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ग्रेन्स काफ़ी लंबे हैं बासमती राइस के और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो उम्मीद है कि बनने के बाद जो है ये चावल अच्छा बनेगा। और इसका प्राइस जो है ना वो 115 रुपये है और इसकी क्वांटिटी जो है वो 500 ग्राम है, मतलब ये काफ़ी महंगा चावल है। 230 रुपये का जो है ना ये पर केजी के हिसाब से चावल होगा। तो यहाँ पे मैं इसके ग्रेन्स जो है वो निकाल के रख देती हूँ। ये हाफ केजी ही 115 रुपये का है तो काफ़ी कॉस्टली लगा मुझे। और ये दावत का ही जो है वो देव्य चावल है और इसका प्राइस जो है वो 140 रुपीज़ है और इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 किलो है। तो चलिए, इसके भी ग्रेन्स जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसके भी ग्रेन्स काफ़ी ठीक ठाक हैं, बट दूसरे वाले जो दावत का चावल था ना, जो 115 रुपए केजी था, उससे थोड़े से छोटे हैं। हाँ सॉरी, 115 का आधा किलो था, 230 का केजी है, तो उससे ये थोड़े से छोटे ग्रेन्स लग रहे हैं मुझे। तो देखते हैं बनने के बाद ये चावल कैसे बनते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ये हेरिटेज का चावल, जो कि 199 का 1 किलो है, यानी कि 200 लगा लो आप, 200 रुपये का 1 किलो चावल है। ये भी बासमती राइस है। तो चलिए, इसके ग्रेन्स को भी जो है वो चेक कर लेते हैं। ये भी महंगा चावल है, 200 रुपये मायने रखते हैं 1 किलो चावल के लिए। तो आप देखिए, इसके भी ग्रेन्स काफ़ी पतले लंबे ग्रेन्स हैं। ये जो दूसरा वाला जो बासमती राइस था ना, जो 230 रुपये केजी था, उससे थोड़े ज़्यादा ही लंबे लग रहे हैं मुझे इसके ग्रेन्स, और ये चावल थोड़ा सा पीलेपन पे है। उसके बाद ये भी जो है वो हेरिटेज का ही चावल है, ये भी 1 किलो का है और ये इसका प्राइस जो है वो 120 रुपये है। तो चलिए, इसके भी ग्रेन्स को जो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल टुकड़ा चावल है ये, मतलब 120 रुपये किलो इन्होंने बासमती राइस लिखा हुआ है, डेली फीस्ट का है। और ये देखिए, तो महंगे हैं ये, जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये महंगा चावल है। 120 रुपये किलो चावल, ये इतना टुकड़ा चावल तो नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं बनने के बाद ये कैसा बनता है और खाने में जो है वो कैसा लगता है, इसकी खुशबू कैसी होती है। उसके बाद मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मिलता है ना, वो इंडिया गेट के चावल हैं। तो ये इंडिया गेट का जो है ना वो बासमती क्लासिक है। तो चलिए, इसको भी जो है वो ओपन कर लेते हैं। और ये जिप लॉक टाइप में आता है तो ये चीज़ अच्छी है। और इसके भी ग्रेन्स काफ़ी लंबे हैं, बिल्कुल वाइट चावल है तो अच्छे लग रहे हैं देखने में ही। तो खाने के बाद और बनने के बाद जो है वो कैसे लगते हैं वो देखते हैं। ये भी चावल जो है वो अच्छा है और इसका प्राइस जो है वो 235 रुपये है, मतलब 235 रुपये का ये 1 किलो चावल है। तो इंडिया गेट का जो प्राइस है और ये दावत का जो ग्रीन वाला बासमती राइस है ना, उसका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 5 रुपये का डिफरेंस है। ये वाला चावल जो है वो 5 रुपये महंगा है। तो ये भी जो है वो इंडिया गेट का बासमती राइस है और ये रोज़ाना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। 115 रुपये का ये चावल है और देख लेते हैं इसका ग्रेन्स कैसा है। 1 केजी का ये पैक है पूरा, तो इसके ग्रेन्स छोटे हैं आप देख सकते हैं, और ये थोड़े टुकड़े भी हैं, मतलब एकदम लंबे और
लंबे चावल नहीं हैं, ग्रेन्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं, तो काफ़ी सारे ग्रेन्स जो हैं वो टुकड़ों में भी हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चावल है वो इंडिया गेट बासमती राइस का दूबर है और ये इसका प्राइस जो है वो 159 रुपीज़ है। तो 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, 160 लगा लो आप। और इसकी क्वान्टिटी जो है वो 1 किलो है और इसके भी ग्रेन्स जो है वो लंबे हैं, बहुत लंबे ग्रेन्स तो नहीं हैं बट ठीक ठीक है, टुकड़ा नहीं है कहीं भी चावल और लंबे ग्रेन्स, खिले खिले ग्रेन्स हैं इसके। और ये भी जो है वो इंडिया गेट का ही जो है, इंडिया गेट बासमती का ही सुपर चावल है और इसका प्राइस जो है वो 210 रुपये है। और इसके ग्रेन्स चेक कर लेते हैं, तो ज़्यादा ही निकल गया। इसके भी ग्रेन्स काफ़ी लंबे हैं, पतले ग्रेन्स हैं, तो इसके भी ग्रेन्स मुझे अच्छे लगे। बनने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस ये चावल जो है वो टिल्डा बासमती राइस है और प्रीमियम चावल है ये, और इसका प्राइस जो है वो 200 रुपये है और ये 1 kg का पैक है। तो इसको भी देख लेते हैं, तो इसके भी ग्रेन्स काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी पतले ग्रेन्स का चावल है ये। तो चलिए इसको भी यहाँ पे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ और सभी चावल को जो है वो पकाकर देखेंगे। इसके अंदर मैंने आपको सभी चावल के ग्रेन्स तो दिखा दिए हैं, ये वाले ग्रेन्स बहुत टुकड़े टुकड़े में आया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, बनने के बाद जो है वो पता नहीं कैसा बनेगा। और ये सब चावल जो हैं वो काफ़ी पतले और अच्छे ग्रेन्स हैं, इनमें से ये वाला चावल जो है वो थोड़े टुकड़े में है ग्रेन्स, इसका आप देखिए थोड़े टुकड़े टुकड़े ग्रेन्स हैं इसके, छोटे हैं। और ये सब चावल जो हैं वो काफ़ी पतले और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इनके ग्रेन्स। तो देखते हैं ये बनने के बाद चावल कैसे होते हैं। इस थाली को रख देते हैं साइड में क्योंकि अब ये चावल तो सब मिक्स हो चुका है, इसमें से तो हम बनाएंगे नहीं। इन सभी को जो है वो अब बनाना स्टार्ट करते हैं और बनने के बाद जो है वो चावल का टेस्ट कैसा होगा, चावल में से कैसी खुशबू आएगी और स्वाद में जो है वो हल्का सा मिठास होगा या नहीं, चावल में खिले खिले फ्रेश चावल बनेंगे या नहीं, वो आज हम चेक करेंगे। क्योंकि माइक्रोवेव और राइस कुकर में जो है वो चावल बहुत अच्छे खिले खिले और फ्रेश बनते हैं, तो मैं राइस कुकर तो नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत सारे चावल तो बनाने नहीं हैं, तो छोटे छोटे ग्लासेस में हम माइक्रोवेव में बनाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट कर पाएँ, क्योंकि इतना सारा अगर मैंने बना लिया तो खाएगा कौन। तो चलिए फटाफट से जो है वो चलते हैं किचन में और माइक्रोवेव में सारे चावल को सेट करते हैं। चलिए अब इन सभी चावल को जो है वो धो लेते हैं और इसको जो है वो पानी डाल के माइक्रोवेव में सेट करते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, इन सभी चावल के ग्लासेस के यहाँ बैक साइड पे ना मैंने नाम लिख दिया है, तो ये मिक्स नहीं होंगे, पता चल जाएगा बनने के बाद कि कौन सा चावल जो है वो कौन से पैकेट का है। तो ये नीचे की तरफ आप देखिए क्लासिक लिखा हुआ है, तो ये इंडिया गेट का क्लासिक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है रोज़ाना, तो हमें पता है ये इंडिया गेट का रोज़ाना है, तो सभी के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। तो फटाफट से इन सभी चावल को जो है वो वॉश करके और माइक्रोवेव में सेट करते हैं। जितना चावल उतना ही पानी डाला है। ये सारे जो है वो माइक्रोवेव वाले ग्लास हैं, मतलब माइक्रोवेव ग्लासेस हैं, तो कुछ नहीं होगा माइक्रोवेव में रखने में, तो आप इस बात का ध्यान रखना कोई भी बर्तन माइक्रोवेव में मत डाल देना, जो माइक्रोवेव सेफ होते हैं वही डालना होता है। तो बस अब कर देते हैं प्लग ऑन। तो गाइस चावल देखिए 10 मिनट में सारे चावल जो है वो बन के रेडी हो गए हैं और साइज़ में देखिए एकदम ट्रिपल हो चुके हैं ये। थोड़ा थोड़ा चावल मैंने डाला था और थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला था और 10 मिनट के लिए लगाया था और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे बासमती राइस को जो है वो पकाकर ले आए हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे बासमती राइस को जो है वो माइक्रोवेव में पका लिया है और उसके बाद यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए अब एक एक करके इनका टेस्ट करते हैं
और देखते हैं कि सबसे टेस्टी बासमती राइस इनमें से कौन सा है, सबसे अच्छी खुशबू जो है वो किस चावल में से आ रही है, कौन सा चावल एकदम खिला खिला बना है, और ग्रेन्स जो है वो पकने के बाद कौन से चावल के सबसे अच्छे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ये टिल्डा और बासमती सुपर से। ये है सुपर का और ये है टिल्डा का। इसका प्राइस 200 रुपये है और इसका प्राइस 210 रुपये है। तो चावल को जो है वो मैंने ग्लास में बनाया है ना, तो एकदम ग्लास के शेप से ही चावल निकला है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे फैला लेंगे ना चावल, तो चावल बहुत अच्छे बने हैं, एकदम खिले खिले चावल बने हैं। और फैन चल रहा था ना, तो थोड़ा सा वैसा हो गया है। बट अगर आप इस गुस्सा नहीं बेटा, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे ना, तो चावल काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो ये आप देख सकते हो, इससे भी ज़्यादा अच्छा बना है ये बासमती इंडिया गेट का जो है वो सुपर चावल। तो ये भी काफ़ी अच्छे से बना है। तो चलिए अब इन दोनों ही चावल को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। चावल जो है वो बेसिकली हम लोग हाथ से खाते हैं, तो मैं कोई भी ऐसे चम्मच उम्मच नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। और खुशबू जो है वो चावल की नॉर्मल खुशबू है, कोई बहुत एक्स्ट्रा खुशबू नहीं आ रही है। और पकने के बाद जो है वो सभी चावल की ऑलमोस्ट सेम ही खुशबू आ रही है। तो ये वाले चावल भी काफ़ी ठीक है। लास्ट फाइनल रिजल्ट मैं आपको सारे चावल को टेस्ट करने के बाद बताऊंगी। उसके बाद है ये दोबारा, ये भी डूबर है। ओके, उसके बाद है ये दूबर और ये भी इंडिया गेट का ही है और ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेश खिला खिला बना है। और ये दूसरा वाला चावल जो है वो है इंडिया गेट का ही रोज़ाना। तो रोज़ाना के ग्रेन्स आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे हैं और इतने अच्छे से पक बने भी नहीं हैं। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उसके मुकाबले मुझे ये वाला चावल ज़्यादा अच्छा लगा। बट ठीक है, टेस्ट तो दोनों को करेंगे। लग रहे हैं, बुरा कोई भी चावल नहीं लग रहा है। स्मेल ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। ग्रेन्स की अगर बात करें तो ये सारे जो चावल है ना, इनके ग्रेन्स काफी लंबे हैं, उनके मुकाबले इनके ग्रेन्स जो है वो काफी छोटे हैं। और इसका प्राइस 115 रुपए है और इसका प्राइस जो है वो 195 रुपीज है, वो 159 रुपीज है। उसके बाद मैंने ले लिया है ये 235 रुपीज का चावल, जो कि इंडिया गेट का ही क्लासिक है। और इसके ग्रेन्स बाकी चावलों के मुकाबले काफ़ी लंबे हैं। और ये जो चावल है वो है फीस्ट, डेली फीस्ट है ये, हैरियर का डेली फीस्ट है। तो ये सॉरी हेरिटेज का जो है वो डेली फीस्ट है। अरे ये चावल तो दोबारा चावल बन गए, फैलता भी नहीं है। हाँ, तो ये वाला चावल जो है ना वो बिल्कुल टुकड़ों में है और ये फैला भी नहीं। और आई थिंक इसका कुकिंग टाइम कम है, क्योंकि हमने माइक्रोवेव में बनाया और बहुत सारे ग्लासेस में जो है वो चावल डाल के बनाए, तो उनके मुकाबले ये सभी चावल तो ठीक से पके, बट ये आई थिंक पक कर जो है ना वो सूख जाता है ना चावल, वैसा हो गया। मतलब इसका कुकिंग टाइम कम है, कम देर में ही ये बन जाएगा। तो अगर आप सिंगल इस चावल को बनाओगे ना, तो कम देर के लिए पकाना, तो अच्छे से बनेंगे। वैसे मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। नॉर्मल जो टुकड़ा चावल होता है ना वैसा ही है, कुछ बहुत टेस्टी और बहुत अलग नहीं है। और ये वाला चावल भी जो है ना वो, इसके ग्रेन्स बहुत लंबे हैं, खिले खिले बने हैं, बट टेस्ट सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। ये है हेरिटेज का ही प्लैटिनम और ये जो है इसका प्राइस जो है वो 199 रुपीज है। तो ये वाला चावल का भी जो है ना वो कुकिंग टाइम मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि ये भी चावल जो है वो बनकर सूख चुका है, क्योंकि मैंने ग्लास में बनाया ना, भी बताया कि सब चावल को मैंने एक ही साथ माइक्रोवेव कर दिया था, इसलिए ये ऐसे हो गए हैं। वरना अगर हम अलग अलग बनाते तो शायद ठीक से बनते ये। और टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट में ठीक है,
ये वाला चावल जो है वो है दावत का बिरयानी जो कि 230 रुपए का है एक किलो, और ये वाला जो है वो दावत का देवियर है और ये भी जो है वो 140 रुपीस का एक केजी मिला है हमें। तो चलिए इसको भी फैला लेते हैं। तो ये वाले चावल जो है ना इसके भी ग्रेन्स आप देख सकते हैं काफी लंबे हैं, काफ़ी अच्छे ग्रेन्स हैं ये इसके ग्रेन्स, और ये जो इंडिया गेट का क्लासिक वाला जो ग्रेन्स है ना इन दोनों के ग्रेन्स काफ़ी लंबे हैं। ये देखिए ये दोनों चावल के ही जो ग्रेन्स हैं ना वो काफ़ी लंबे हैं और दोनों का प्राइस भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 5 रुपये का डिफरेंस है। दोनों सेम ही चावल है मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइज अगर आप लंबे ग्रेन्स के चावल खाना चाहते हैं, एकदम खिले खिले चावल खाना चाहते हैं, तो आप इंडिया गेट का क्लासिक ले सकते हैं या फिर आप दावत का जो है ये बिरयानी राइस ले सकते हैं। ये दोनों ही चावल बहुत अच्छे हैं, लंबे खिले खिले बनते हैं, बट दोनों का प्राइस जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। 235 रुपये का ये पड़ता है आपको और 230 का ये पड़ता है आपको। और नॉर्मल बासमती राइस आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ना उनके सबके ग्रेन्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ये वाला चावल जो है वो 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है और ये वाला जो है वो 210 पर केजी के हिसाब से मिलता है। चावल अब ऑलमोस्ट सभी बहुत महंगे हो चुके हैं और ये वाला जो है वो दोबर है और ये भी 150 रुपये का एक केजी मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो चावल पसंद कर सकते हैं, आपको जो पसंद आते हैं। मेरे हिसाब से नंबर वन पे ये दोनों चावल हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं बट बहुत अच्छे चावल हैं। अगर आप खाना पसंद करते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, बिरयानी बनाना चाहते हो, तो बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। उसके बाद नंबर टू पे मेरे हिसाब से ये है जो कि टिल्डर का चावल है और ये 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है और ये वाला भी मुझे अच्छा लगा जो कि सुपर है, इंडिया गेट का ही सुपर है, तो ये भी जो है वो काफ़ी अच्छे चावल हैं। थर्ड नंबर पे जो है ये दोबर है, इंडिया गेट का ही दोबर है और यहाँ प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं सॉरी, ये बासमती का दावत का ही जो है वो देव्या है और ये भी काफ़ी अच्छा चावल है, ये भी मोटा और प्राइस भी इसका जो है वो 140 रुपीस पर केजी है, तो बहुत महंगा नहीं है। बाकी सबसे तो थोड़ा सस्ता ही है ये और चावल भी ठीक ठाक है, आप खा सकते हो, इतना बुरा नहीं है, ग्रेन्स भी ठीक ठाक लंबे हैं। तो आज जो है वो मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो है वो ठीक ठाक प्राइस पे कौन सा बासमती राइस लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और आपको पता नहीं होता है कि सस्ते में अच्छा चावल आपके लिए कौन सा रहेगा। तो अगर हमसे कोई चावल रह गया हो या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी और चावल के ऊपर वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो सारे चावल का भी आप लोगों के साथ में जो है वो रिव्यू शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय बाय।